पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्हे बच्चों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस क्रंथों के नाम दूसरे पत्र में हमें बताते हैं कि मैकेदोनिया के लोग दुख और कष्ट में भी, अग्नि जैसे अपने संकटों में भी, वे अपने आप में बहुत ही सुख सुविधा और आनंद प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर का महिमा क्या होता है। और वे कहते हैं कि हम सबों को बहुत ही गौरव होता है कि हम सभी लोग धर्मी लोगों के लिए और सन्यासी लोगों के लिए हम कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम उनके लिए दान दे पा रहे हैं। वे अपने आप में भाग्यशाली समझते हैं कि हम सभी लोग दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मैं याद करता हूँ कि जब हमारा प्रोहिताई अभिषेक होने वाला था, तब कुछ भाइयों ने हमसे पूछा कि ब्रदर जी, कुछ चाहिए तो बोलिएगा। तो मैंने कैजुअली ऐसे उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं ब्रदर, आप जरूर कुछ जो चाहिए आप पूछिए, हम करने को तैयार हैं। यह हमारा भाग्यशाली है कि हम आपके लिए कुछ दे पा रहे हैं, या तो हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और उन्होंने सच में यह इच्छुक दिखाया और बहुत ही अच्छा स्वभाव और नम्र भाव से अपने आप को लोगों के लिए और उदारतापूर्वक देने के लिए तैयार हुए। मैं उनका दिल जान सकता हूँ। उसी प्रकार मैकेदोनिया के लोग भी बहुत ही दानी और बहुत ही अच्छे दिल से लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं। और उसी तरह आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर करो। लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि आप सभी लोग जो आपसे बैर करते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तब आप ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। यदि हम सभी लोग ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के संतान कहलाना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को अपने बैरियों से बैर नहीं, लेकिन बैरियों से प्रेम करना है, और जो हमारे पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। कितना ही कठिन शब्द है, कौन ऐसा कर सकता है जो हम पर अत्याचार करे, कैसे हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो हमारा दुश्मन है, हम उन्हें कैसा प्यार कर सकते हैं, बहुत ही कठिन है। लेकिन कई सारे हमारे बीच में ऐसा उदाहरण है जो यह चीज़ नामुमकिन नहीं, लेकिन यह मुमकिन है, मतलब यह संभव है हमारे लिए। आप लोगों ने सुना होगा रानी मरिया, जो अभी संत बन गई, उनके माता पिता, उन्हें लोग कहते थे कि जो उनका मर्डर किया उनसे मिले नहीं, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने का वायदा किया और वे लोग उनसे जाकर मिले, और आज वह सच्चा ख्रिस्ती धर्म स्वीकार करता है। और उन्हें जो समुद्र सिंह, जिन्होंने रानी मरिया का हत्या किया, वह आज उस परिवार में सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि उनका प्यार और उनका दया जो उन पर दिखाया गया, वह उनको द्रवित कर दिया और वह सच्चा धर्म आज स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सच में यदि हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है और वे सच्चे जीवन जीने लगते हैं और ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। हमारा ईश्वर वही है। हम सभी ख्रिस्ती होने के नाते उन सभी लोगों को सच्चे राह पर लाने की हमारा काम है और हम सभी लोगों का कर्तव्य है। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम सभी लोग किसी का पक्षपात ना करें, क्योंकि परमेश्वर कभी पक्षपात किसी का नहीं करता है। वह हमें बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि क्या भले और बुरे लोगों के लिए सूर्य परमेश्वर नहीं उगाता है? क्या कितने भी लोग धर्मी या अधर्मी हो, लेकिन उनके लिए क्या परमेश्वर पानी नहीं बरसाता है? सबके लिए बराबर बरसाता है, जो भी हम धर्मी हो या अधर्मी हो, बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन सबके लिए बराबर चीज मिलते हैं। तो क्यों हम अपने भाई के साथ हम ऐसा व्यवहार करें? हम सभी लोग एक तरह के मानव जाति होने के नाते हम सभी भाई बहन हैं, इसलिए हम किसी से दुर्व्यवहार ना करें, लेकिन हम एक जैसे व्यवहार करें। इसलिए तो हमारे प्रभु ईश्वर कहते हैं कि यदि हम सभी लोग जैसे शास्त्रीय फारसी लोग करते हैं, जैसे नाकेदार लोग करते हैं, उस प्रकार का व्यवहार यदि हमारे पास भी हो,
तो हम अपना पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हैं? कहने का तत्पर्य यह है कि यदि हम सभी लोग उन पापी लोगों के समान हम अपने आप को भी व्यवहार करें, हम अपने पुरस्कार का दावा नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज हमारे जमाना में बहुत सारे अच्छे अच्छे मोबाइल या कंप्यूटर ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन हर कंपनी, हर लोग अपने चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम अलग तरीके से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्वभाव और अच्छा चीज़ों से हम दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वही है, जब तक हम अपने जीवन में अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से हम ईश्वर की ओर ना जाएं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को बाकी लोगों से, पापियों से, जो लोग नाकेदार हैं, फारिसी हैं, उनसे कुछ बढ़कर अलग तरह से हम सबों को इस धरा पर जीवन जीना है, जिसे हम सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वही आज हमारे सुसमाचार में और पहले पाठ में बताते हैं कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। जो लोग हम पर अत्याचार करते हैं या हम पर जो दुश्मनी दिखाते हैं, फिर भी हम उनसे प्रेम करें और हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग इन सभी चीज़ों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह शक्ति हम पर परमेश्वर प्रदान करे। आइए हम कुछ देर मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।